ओके सो गाइस, सर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से सबसे पहले माफी मांगता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको ब्यूटी खान के बारे में कि यहाँ पर ब्यूटी खान को टिकटॉक पे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर और बहुत सारे लोग जो है वो उसको ट्रोल कर रहे हैं कि वो टिकटॉक पे इतना जल्दी क्यों फेमस हो रही है, उसकी वीडियोस क्यों वायरल हो रही है। तो इसके बारे में मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया था और यहाँ पर मेरी बातें बहुत सारे लोगों को बुरी लग गई, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए। तो सबसे पहले जिन लोगों को मेरी बातें बुरी लगी तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा जो इरादा आप लोगों को बिल्कुल भी हर्ट करने का नहीं था। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला कुछ रियलिटी ब्यूटी खान से रिलेटेड। साथ ही साथ यहां पर मेरे को बहुत सारे लोग बहुत तरीके के कमेंट करे हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा कमेंट जो देखने को मेरे को मिला है, लोग बोल रहे थे कि भाई ब्यूटी खान ने तेरे को कितने पैसे दिए ये वीडियो बनाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, इसके बारे में आपको बताऊंगा। प्लस और भी बहुत सारे कमेंट गंदे गंदे मेरे को मिले वगैरह वगैरह। सो गाइस, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जरूर से देखना। अगर मेरी आप लोगों ने कल वाली वीडियो को देखा है तो प्लीज इस वीडियो को देखना, अगर नहीं देखा तो पहले जाके देख लो, आपको सारा मैटर समझ में आ जाएगा। तो गाइस सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अपने भाई का नाम जान लो, मेरा नाम आसिफ और आप देख रहे हैं नेट मैकेनिक्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल के दिन मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बताया कि यहां पर ब्यूटी खान को बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं कि उसकी वीडियोस क्यों वायरल हो रही है, उसकी वीडियो पे मिलियंस में व्यूज क्यों आ रहे हैं। और इसको देखकर बहुत सारे लोग जो वो ट्रोल कर रहे थे, बड़े बड़े पॉपुलर क्रिएटर का भी नाम जो है लिस्ट में शामिल है। और दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि कल के दिन जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने अपना ओपिनियन शेयर करा कि मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में। तो जो है वो मेरे को पूरा राइट है बोलने का कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन मेरी बातों को लोगों ने जो वो गलत तरीके से जो वो लिया। यहाँ पर लोग बोल रहे थे कि भाई तू तेरे को जो वो ब्यूटी खान ने पैसे दिए हैं तो इसलिए ये वीडियो बना रहा है, तू क्यों बना रहा है वीडियो, तू अपने काम पर ध्यान दे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ब्यूटी खान ने किसी भी तरीके से कोई भी पैसा मेरे को नहीं दिया। मैंने जो वो खुद से वीडियो बनाया, खुद से मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया, जो चीज़ें चल रही थी टिकटॉक पर, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा बताया जाए कि क्या चल रहा है और मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई तू उसको क्यों सपोर्ट कर रहा है, तेरी क्या लगती है, तेरी आइटम लगती है, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। तो मैं आपको बता दूं, मेरे सपोर्ट का बात छोड़ो, यहां पर दोस्तों बहुत सारे बड़े बड़े टिकटॉक स्टार भी सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर बात करूं दोस्तों, यहां पर आमिर सिद्दीकी को आप लोग जानते होंगे, टिकटॉक स्टार है, वो भी टिकटॉक पे काफी पॉपुलर है, वो भी उसको सपोर्ट कर रहा है और भी बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप उसको जाकर के बोलो ना कि यार मेरे को, मैंने तो बस अपना ओपिनियन शेयर किया और आप लोगों को बताया कि क्या सही है और क्या गलत है। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर ऑफेंड हो गए कि भाई यार मैंने ये वीडियो क्यों बनाया। तो भाई यार, मैं हमेशा इस तरीके का वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देखो। यहाँ पर दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए टिकटॉक स्टार के रिगार्डिंग, चाहे वो तीन तिगाड़ा हो, आप जाके देखो, तीन तिगाड़ा के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया था, उन लोगों को भी ट्रोल किया जा रहा था। आप देखो, 4 लाख से ज़्यादा उस वीडियो को लोगों ने देखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बस आप जो है वो आप लोगों को क्या सही है और क्या गलत है बताता हूँ। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक कमेंट मेरे को और देखने को मिला कि भाई टैलेंटेड लोगों के वीडियो पे व्यूज़ नहीं आता है और भाई वो सिर्फ डांस करती है तो उसकी वीडियो पे मिलियंस में व्यूज़ चला जाता है। तो मेरी बात आप लोग एक ध्यान से सुनो, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बोला था कि यहाँ पर टिकटॉक पर 119 मिलियन एक्टिव यूज़र है इंडिया से। तो यहाँ पर जो लोगों को जो देखना होता है और वही देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टैलेंटेड लोग भी आ गए हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे जो टैलेंटेड है उसकी वीडियोस वायरल नहीं होती है। आप जाके टिकटॉक पे उठा के देखो, बहुत सारे लोग हैं जिसकी वीडियो वायरल होती है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसकी वीडियो वायरल नहीं होते हैं, और वही सारे लोग जो वो इस तरीके का काम कर रहे हैं जिसकी वीडियो वायरल नहीं हो रही है। तो मेरा यही कहना था कि आप इन सारी चीज़ों को छोड़ के अगर आप अपने कंटेंट पर मेहनत करोगे तो आपकी वीडियो जो वो वायरल हो सकती है, आपकी वीडियो पर व्यूज़ बढ़ेंगे। मेरा बस यही कहना था कि लोग जो वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंड हो गए, भाई तू क्यों ऐसा बोल रहा है, और मैंने एक घंटा वर्ड यूज़ किया था तो इसको लेकर बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई ये चीज़ें आपकी अच्छी नहीं लगी। तो भाई वो बस ऐसे ही जो मैं बोलने में निकल गया, वैसे कोई मेरा इंटेंशन नहीं था आप लोगों को हर्ट करने का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 190 मिलियन यूज़र है, लोगों को जो देखना पसंद है लोग वही देखेंगे, चाहे आप कुछ भी दो। और ये टिकटॉक है, टिकटॉक लोग देख के नहीं देखता कि ये ब्यूटी खान है तो इसका वीडियो को हम वायरल करेंगे, और ये जो है वो सन्नी कार्ला है तो इसकी वीडियो को हम वायरल नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लोगों को जो पसंद आता है वही चीज़ें लोगों को देखती हैं। यहाँ पर कोई जादू का छड़ी नहीं है, ब्यूटी खान का कोई जो है वो रिश्तेदार नहीं बैठा हुआ है टिकटॉक इंडिया में, टिकटॉक के ऑफिस में, टिकटॉक के एल्गोरिथम में कि ब्यूटी खान का जब भी वीडियो आता है तो उसका वीडियो वायरल होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर सारा खेल एल्गोरिथम का है, उसकी वीडियो एल्गोरिथम में सेट आ रही है तो उसको लोग पसंद कर, उसकी वीडियो वायरल हो रही है, लोग ज़्यादा देर तक देख रहे हैं। टिकटॉक का एल्गोरिथम ही कहता है जितना ज़्यादा वॉच टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा वीडियो वायरल होगी।
तो सारा खेला वॉच टाइम का है, सारा खेला एल्गोरिथम का है। यहाँ पर दोस्तों टैलेंट का भी बात होता है दोस्तों, टैलेंटेड वीडियो जो वीडियो में ज़्यादा क्रिएटिविटी होता है वो वीडियोज भी वायरल होते हैं। और दोस्तों बस मेरा यही कहना था आप लोगों को, मेरा कोई इंटेंशन आप लोगों को हर्ट करने का नहीं था, मैंने बस अपना ओपिनियन शेयर किया था और मैं आगे भी करता रहूँगा। सो गाइस जिन लोगों को मेरी बातों का बुरा लगा मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, मेरा इंटेंशन आप लोगों को हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। एनीवेज अब आप क्या सोचते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सो गाइस बस आज के इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया लाइक करना, और आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। रमज़ान आ चुका है, अब मेरे लिए भी दुआ करो, खुद के लिए भी दुआ करो और पूरी दुनिया के लिए भी दुआ करो कि अभी क्या सिचुएशन चल रहा है हमारे देश की। सो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ किसी न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।